नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और हमेशा की तरह द सूत्र पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बड़ा अपडेट। सबसे पहले मध्य प्रदेश जनसंपर्क के एक्स हैंडल पर बीती देर शाम एक पोस्ट किया गया था, वो आपको दिखाते हैं। वो पोस्ट देखिए जरा, ये पोस्ट है मध्य प्रदेश जनसंपर्क का। इस पोस्ट में लिखा है सबसे ऊपर, अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा का है मामला। उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका की डिसमिस। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 13% आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था। घोषित परीक्षा परिणाम में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/2023 दायर की गई थी। न्यायालयीन प्रकरण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87% रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6036/2023 को डिसमिस कर दिया गया है। और आखिर में इस पत्र के आखिर में, इस पोस्ट के आखिर में लिखा है, उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है। तो ये था मध्य प्रदेश जनसंपर्क का ट्वीट जो बीती देर रात एक्स पर किया गया था। अब मध्य प्रदेश जनसंपर्क की इस, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट की वजह से जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट में एक याचिका खारिज होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष पदों की सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण पर भर्ती दी गई थी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश जनसंपर्क की ओर से एक्स पर जो पोस्ट डाली गई उससे 13% कैटेगरी के अटके अनारक्षित और ओबीसी उम्मीदवार परेशान हो गए। लेकिन इस मामले में 1 जुलाई की तारीख अभी जो आने वाली है, ये बेहद अहम साबित होने वाली है। क्यों होने वाली है, इसकी वजह भी दासूत्र आपको जरूर बताएगा। उससे पहले आपको सुनाते हैं लंबे समय से ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं देख रहे एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। मध्य प्रदेश शासन के लगभग 37 विभागों में सब इंजीनियर के लगभग 3,500 से पदों की भर्ती का मामला है। एक 2021 की भर्ती का मामला है और इसकी कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी थी फरवरी 2023 में, लेकिन अपॉइंटमेंट आर्डर जारी नहीं हुए, मेरिट लिस्ट बन चुकी है। एक याचिका दाखिल होती है 6036/2023 इंदौर हाई कोर्ट में, जिसमें इंदौर हाई कोर्ट द्वारा 27 मार्च 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जाता है। उस अंतरिम आदेश के परिपालन में महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा 12/6/2023 को सामान्य प्रशासन विभाग को एक अभिमत दिया जाता है और उस अभिमत के आधार पर जीएडी एक सर्कुलर जारी करता है और उस सर्कुलर के परिपालन में ओबीसी के 13% सिलेक्टेड जो चयन सूची में नाम था उनको होल्ड कर दिया गया। तो उन समस्त होल्ड अभ्यर्थियों द्वारा माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दाखिल की और ये मामला सामने आया कि इस याचिका के अंतरिम आदेश के परिपालन में इनको होल्ड किया गया है। तो उस याचिका को इंदौर हाईकोर्ट से जबलपुर ट्रांसफ़र कराया गया, क्योंकि 2020 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवाई मध्य प्रदेश के, चाहे वो इंदौर बेंच हो चाहे ग्वालियर बेंच हो, डिवीजन बेंच नंबर 2 द्वारा की जाएगी। तो उसका हवाला देकर के वो समस्त याचिकाएँ हमने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ट्रांसफ़र करा दी और यहाँ उस याचिका में सुनवाई हुई 21 फरवरी 2023 को। याचिका क्रमांक 6036/2023 माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी, इस आधार पर कि जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता चूँकि स्वयं फेल हो गया उस एग्जाम में, मिनिमम जो मार्क्स हैं उस मार्क को ही वो धारित नहीं कर पाया है, इसलिए याचिका प्रचलन योग्य नहीं है और वो याचिका नष्ट कर दी गई। तो जब वो याचिका नष्ट हो गई तो जो होल्ड हैं उन समस्त अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन को तत्काल
उनको नियुक्ति कर देना चाहिए थी, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव रहा, आचार संहिता के परिवर्तन के चलते शायद उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। अब आचार संहिता हटने के बाद मध्य प्रदेश शासन जो होल्ड किए गए उन समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे प्रोसीड की जा रही है। तो ये थे एडवोकेट रामेश्वर, जो जबलपुर में ओबीसी की याचिकाओं से जुड़े मामले देख रहे हैं लंबे समय से। तो उन्होंने सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, मैं भी आपको और समझाता हूं कि ये मामला आखिर है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के 37 विभागों में करीब 3500 पदों की ये भर्ती का मामला है। इसकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, मेरिट बन चुकी थी, फरवरी 2023 में बन गई थी मेरिट, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हुए। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट में, यानी जबलपुर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई गई थी, जिसका नंबर था 6036। यह याचिका लगी थी। इसमें आए अंतरिम आदेश पर महाधिवक्ता ऑफिस से 12 जून 2023 को अभिमत दिया गया, ओपिनियन दिया गया। इस ओपिनियन के आधार पर जीएडी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। जीएडी ने जो सर्कुलर जारी किया उसके मुताबिक ओबीसी के 13% पद जो है वो होल्ड पर हो गए। इसके बाद जबलपुर में ये याचिका शिफ्ट की गई। जबलपुर हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और 21 फरवरी 2024 को ये याचिका इसलिए डिसमिस हो गई क्योंकि याचिकाकर्ता खुद फेल हो गया और उसे कट ऑफ मार्क्स नहीं मिल पाए। इसके बाद बात आई कि भैया जो नियुक्ति 13% को होल्ड है, जो देना है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आचार संहिता के बाद ये सब कुछ रुक गया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने होल्ड की गई नियुक्ति प्रक्रिया का लेटर जारी किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 ट्रांसफर याचिकाएं लंबित हैं और हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में जो याचिकाएं चल रही हैं उन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुक गई है और ये आदेश केवल एक परीक्षा के लिए है। जी हाँ, कैसे है वो आपको समझा रहा हूँ। ये एक सिंगल परीक्षा के लिए है, मतलब सिंगल परीक्षा के समूह 3 मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष पदों के लिए हुई संयुक्त परीक्षा 2022 को लेकर के ये आदेश, जो जनसंपर्क ने जो लेटर जारी किया था, जो एक्स पर जो बात सामने आई थी, इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ईएसबी में जनवरी 2024 में लागू किए गए 87-13% फॉर्मूले से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका लग जाने के कारण बाकी 13% ओबीसी की ज्वाइनिंग रुक गई। ये है ये मामला और जो पेच है वो भी मैं आपको इसमें परत दर परत बताऊंगा। अब जिस याचिकाकर्ता की याचिका की वजह से ये सब हुआ वो खुद परीक्षा में फेल हो गया, फेल घोषित हो गया। इन सभी के चलते ये याचिका खारिज हो गई। इसके बाद रुके रिजल्ट्स के आधार पर ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया था। चुनाव के चलते ये प्रक्रिया रुक गई थी। एडवोकेट जनरल इसकी ज्वाइनिंग को लेकर पहले ही कानूनी सलाह दे चुके थे। इसके बाद सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए। अब एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी के लिए भी जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। एक याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में 13% कैटेगरी में रुके एमपीपीएससी के रिजल्ट और सूची जारी करने को लेकर के लगी हुई है। इसमें बीते 4 अप्रैल को ही हाई कोर्ट एमपीपीएससी को आदेश दे चुका है कि वो इस कैटेगरी के उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक कर दे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें आपत्ति लगा दी है। अब इस आपत्ति पर ये जो पूरा सब लफड़ा चल रहा है, इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और जब 1 जुलाई की ये सुनवाई होगी तभी तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। इससे आगे की स्थिति साफ होगी कि हाई कोर्ट अब आगे क्या आदेश देगा, 13% के पक्ष में फैसला आता है या नहीं आता है, सूची सार्वजनिक की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये तमाम बातें जो हैं ये 1 जुलाई को क्लियर होंगी। अब फिलहाल ये मामला चल रहा है कि सरकार हाई कोर्ट में लगातार कह रही है कि हम ये मामला सुलझा रहे हैं। 1 जुलाई बहुत अहम तारीख है, आप लिखकर रख लीजिए। जबलपुर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ की बेंच में इन्हीं मामलों की सुनवाई के दौरान 3 मई 2023 को राज्य सरकार से आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने पर विचार कर रहा है और इन मामलों को 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में उठाया जाना चाहिए।
अब पटवारी और बाकी परीक्षाओं में भी 100% पर ही भर्ती हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए, पटवारी और बाकी परीक्षाओं में भी 100% के आधार पर ही भर्ती हुई है। दरअसल ईएसबी की जिन परीक्षाओं के रिजल्ट अगस्त 2023 के पहले जारी हुए उन सभी में 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर 100% पदों पर भर्ती हुई है। खुद विवादित पटवारी भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह की भर्ती हुई है। बाकी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी इसी तरीके की भर्ती हुई है। और अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईएसबी के मामले में जो याचिका लगाई गई थी उस याचिका पर सुनवाई की, फिर आदेश दिए सुनवाई के बाद कि भैया 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर भर्ती नहीं हो सकती। कुछ और परीक्षाएं भी हैं जिनमें उम्मीदवार 27% आरक्षण रोकने के लिए हाईकोर्ट चले गए थे। इन विवादों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में 87-13% फार्मूला लागू कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जो ये 87-13% का फॉर्मूला लागू किया था, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लागू किया था, क्योंकि आयोग की परीक्षाओं में लंबे समय से रिजल्ट रुके हुए थे। ये फॉर्मूला सबसे पहले राज्य सेवा परीक्षाओं 2019 पे जो रिजल्ट रुके हुए थे उस पे लागू हुआ था। इसके बाद सभी के रिजल्ट इसी तरीके से निकले। इसके चलते केवल राज्य सेवा परीक्षा 2019, 2020 और 2021 के अंतिम रिजल्ट आने के बावजूद 13% कैटेगरी में 171 पद और 600 उम्मीदवार रुके हुए हैं। साथ ही 33,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को अपने अंक ही नहीं पता और ना ही वो अपनी कॉपियां देख पा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर अब कुल मिलाकर के क्या हो रहा है वो मैं पूरी आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल 2019 में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14%, एसटी को 20% और एससी वर्ग को 16%, और इसके साथ ही अनारक्षित अनरिजर्व वर्ग को 50% देने का प्रावधान था। फिर 2019 में ही तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण जो 14% था उसे 27% कर दिया कमलनाथ सरकार ने। इसी तरह कुल आरक्षण का जो मामला है अब उसमें 50% की जो लिमिट थी वो हो गई 63%, ठीक है ना। अब अनारक्षित पद के लिए 37% पद हो रहे हैं। इसे लेकर कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं लगाई गईं। कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 को आदेश देते हुए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद यह कहा कोर्ट ने कि ओबीसी को अधिकतम आरक्षण 14% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार 27% आरक्षण देने की मंशा के साथ कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई और सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इन ट्रांसफर की याचिकाओं पर स्थिति क्लियर नहीं होती, ट्रांसफर याचिकाओं पर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में आपको जानकर हैरानी होगी कि 80 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर सुनवाई चल रही है और लगातार युवाओं का, अभ्यर्थियों का भविष्य इन याचिकाओं में उलझकर रह रहा है। तो जो भी अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, दासूत्र आपके साथ है, दासूत्र लगातार आपको इन गतिविधियों से जुड़े अपडेट्स दे रहा है, कौन सा फैसला आया है, किसमें क्या पैंच है, और एक पैंच ये भी है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो चलिए अब इसमें और हम आगे बढ़ते हैं और अब क्या निकल रहा है, 87-13% का फॉर्मूला कैसे आया, क्या विवाद हुआ, क्या ये सब चीजें चली, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एमबीपीएससी हो या ईएसपी, क्यों अटकी है, क्योंकि पदों का बंटवारा मध्य प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति के तहत ही होता है। इसी आधार पर परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होते हैं और इसमें साफ लिखा होता है कि मध्य प्रदेश की आरक्षण नीति के तहत केवल और केवल पदों का बंटवारा किया जाता है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने पद जो है वो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट ने 14% से ज्यादा पर रोक लगा दी है। इस विवाद से बचने के लिए
और भर्ती लंबे समय के लिए ना रुके रहें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। कब निकाला? सितंबर 2022 में, और कहा कि जो 14% ओबीसी आरक्षण है, 20% एसटी आरक्षण है, 16% एससी आरक्षण है और 50% पद आरक्षित वर्ग को देना है, 37% पद अनारक्षित को देते हैं और बाकी 13% में अभी ओबीसी और अनारक्षित वर्ग दोनों को रख लेते हैं। ये बीच का रास्ता सरकार ने निकाला। अब इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला आना बाकी है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था, यानी अब ये पद जिस कैटेगरी के पक्ष में फैसला जाएगा, जो बचे हुए पद हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर सरकार की ये जो बीच का रास्ता है, सरकार का इस जो ये जो नीति है, इस नीति की आलोचना क्यों हो रही है। दरअसल सरकार ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओबीसी वर्ग को संभालने के लिए इस मुद्दे पर हाईकोर्ट से आदेश होने के बाद भी मजबूत फैसला नहीं लिया, मजबूत कदम नहीं उठाए, किसी नतीजे पर सरकार नहीं पहुंच पाई। अब मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से साफ आदेश थे कि 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण ना हो, यानी कि वो पुरानी आरक्षण नीति के तहत 100% पदों पर भर्ती दे सकती थी, लेकिन उसने अपने इस फॉर्मूलेबाजी के चक्कर में ओबीसी और अनारक्षित दोनों ही वर्ग को लंबे समय के लिए लटका दिया। पीएससी के उम्मीदवार सितंबर 2022 से अटके तो ईएसबी वाले बेचारे जनवरी 2024 से ही अटका दिए गए। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं ओबीसी की याचिकाओं पर। अभी 3 मई को इससे पहले सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि भैया राज्य सरकार जो है क्या कर रही है। तो जब फटकार लगी, राज्य सरकार को फटकार आ गया, तो राज्य सरकार ने कहा कि भैया मुद्दा हम सुलझा रहे हैं, 1 जुलाई को अब इस मामले में फिर सुनवाई होनी है और उम्मीद की जा रही है कि ये मसला फिर से उठेगा और उठना ही चाहिए, क्योंकि 1, 2, 4 पदों की बात नहीं है, 1, 2, 4 बच्चों की बात नहीं है, 1, 2, 4 अभ्यर्थियों की बात नहीं है, एक बहुत बड़े समूह का मामला है और इसमें निश्चित तौर पर सरकार को, न्यायपालिका को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, कोई पुख्ता फैसला लेना चाहिए जो बन सके और आने वाले समय में जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके लोग तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, उनके माँ बाप भी इस एक तरीके के मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। अभी नीट का ताज़ा मामला हमारे सामने ही है, 1563 बच्चों का 23 जून को फिर री एग्ज़ाम होगा, 30 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इस बीच जो ये सारा घटनाक्रम होता है इससे पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ऐसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और एमपीपीएससी की परीक्षा हो, एसबी ईएसबी की परीक्षा हो, राज्य सरकार की कोई परीक्षा हो, इसमें जो पद निकलते हैं उसकी पात्रता और शर्तों को पूरा करते हुए अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, समय देते हैं, अपने दिन का चयन, रात की नींद हराम करते हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ लगे रहते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा करके वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तैयारी करते हैं खुद, इधर बच्चा अपनी तैयारियों में जूझ रहा होता है, उधर पेरेंट्स अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक परीक्षा रुकने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं, सिर्फ मानसिक तनाव की बात नहीं है, समय भी खराब होता है, अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 1 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उसमें हम सबकी नज़रें हैं, हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होंगे लगातार हम आपके सामने लेकर आते हैं। फिलहाल ये खबर हमने आपको इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता के जरिए पहुंचाई है। संजय गुप्ता के जरिए हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं लगातार, संजय गुप्ता एजुकेशन की खबरों को लेकर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते और सुनते रहिए द सूत्र